जिस पहाड़ में अभी हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है ब्रह्मसिया। और हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई साहब, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ब्रह्मसिया। ब्रह्मसिया और एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग जो पीछे वाला ब्लॉक था वो था झारखंड धाम, बाबा झारखंड धाम। और जस्ट अभी हम लोग घर जा रहे थे तो एक बहुत बढ़िया सा हम लोग का व्यू दिखा, ऐसे बाइक से हम लोग आ रहे थे। तो एक ब्रह्मसिया नाम का जगह है, तो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे इस पहाड़ में चढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर से दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया यार। और भाई, ये जो पहाड़ है ना, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और अभी काफ़ी ऊपर हम लोग का चढ़ाई करना है और थोड़ा संभल के भाई, यहाँ से नीचे गिरे ना तो दिक्कत हो जाएगा। और यार, इन सब जगहों में मतलब इस तरह का जब चढ़ाई कर रहा हो ना, पहाड़ मतलब पहाड़ों में इस तरह से जब चढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप लोग शूज़ पहन के आते हो ना, इसका ग्रिप थोड़ा बेटर रहे ताकि चलने में थोड़ा आसानी हो सके। अगर जहाँ पे फिसले डायरेक्ट नीचे चले जाओगे। और दूसरी बात कि झारखंड में इस तरह का पहाड़ आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा। और जिस पहाड़ में अभी हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है ब्रह्मसिया। और देखिए यार, कितना बढ़िया सा व्यू है। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ से जो व्यू है ना, बहुत शानदार है। और यार, इस तरह का पहाड़ अगर आप अप टू चढ़ाई करते हो ना, तो अपने साथ कम वेट लाइए बैग में, और दूसरे पानी जरूर लेके आना यार, पानी का काफ़ी ज़रूरत पड़ जाएगा। तो अभी हम लोग एक ऐसे जगह में पहुंच गए हैं, यहाँ से जो आसपास का जो व्यू है बहुत खतरनाक है, दिखाते हैं। मेरे साथ एक भैया है, वो आए हैं और वही अभी कैमरा पकड़ रहे थे। तो यार, इस जगह का नाम है ब्रह्मसिया। और सामने एक पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ एक रह गया नीचे से, वहाँ एक पहाड़ रह गया नीचे से, रोड क्रॉस हुआ है। और सामने में एक और पहाड़ है, और एक ये पहाड़ है जहाँ पे अभी हम लोग चढ़े हैं। झारखंड धाम से अभी बाइक से हम लोग जा रहे थे बगोदर, तो बीच रास्ते में ही ये पहाड़ दिखा ना, तो काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलना चाहिए हम लोग को, तो बस देखने के लिए आ गए। हाँ भाई, की बात है, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त और झकास। पहले क्या बोलते हैं, पहाड़। नीचे कुछ गांव दिख रहा है, कुछ घर वगैरह है उधर, और ऊपर में कुछ लगता है पिकनिक किया यहाँ पे लोग, जला वला के, आग जलाकर। नीचे में रोड है और चारों तरफ आप देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है। उधर फील्ड है बच्चे लोगों के खेलने के लिए, उधर एक पहाड़ दिख रहा है। और भाई, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये हाथी नुमा आकार टाइप ऐसा, इस पत्थर का बैलेंस देखो यार, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हल्का सा इस पे इनका भार है इस पत्थर का। अगर ये थोड़ा सा भी हिला ना, तो गड़क कर ये नीचे चल जाएगा, और क्या भयानक नज़ारा होगा आप समझ सकते हैं। और अभी थोड़ा देर पहले जब हम नीचे से क्रॉस हो रहे थे ना बाइक से, तो सोचे थे कि यहाँ पे ऊपर हम चढ़ेंगे, लेकिन इसका जो स्थिति है ना, ये देख के हम बिल्कुल भी अब सोच नहीं सकते कि यार हाँ भाई, इसके ऊपर हम चढ़ेंगे। सो और यार, इससे पहले पहाड़ की हम बात करें तो एक हम चढ़े थे पारसनाथ पहाड़,
जो करीब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब नीचे से जो चोटी का जो डिस्टेंस है ना वो 9 किलोमीटर है, और वहाँ पे हम चढ़ाई किए थे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल थक गए हैं। थक तो गए हैं यार, और अपने साथ बैग जो रखे हैं ना इसमें पानी का बोतल हम लोग रखना भूल गए, वो रह गया है बाइक के डिक्की में। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, इधर से नीचे जा रहे हैं, नीचे अपना बाइक खड़ी किए हुए हैं। ये सब जो दिख रहा है ना ये सूखा घास है और साथ में छोटा छोटा पत्थर, तो इस तरह से नीचे उतरते तो फाइनली अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं, और अभी हम लोग वहाँ जो ऊपर दिख रहा है ना हम लोग वहाँ जाते हैं, और अपने बाइक वहाँ पे खड़ा कर दिए थे। अरे धीरे, तो भाई साहब अभी काफ़ी हम लोग घूमने के बाद जगह में आए हैं रसदाहा, और ये देख सकते हैं ब्राकर नदी है, और ब्राकर नदी है और यहाँ पे एक मंदिर है रसदाहा करके, और मंदिर रहा वो साइड, और अभी हम मंदिर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो लोकल्स हैं उससे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का जो क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये था जी नीचे, पीछे आप देखें वो ब्राकर नदी है, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, और यहाँ एक मंदिर है, एक नहीं काफ़ी सारा मंदिर है, और इसके बारे में भी बताने से पहले देख लीजिए आसपास में, इधर पूजा पाठ करने से लेके सारा सामान वगैरह आपको मिल जाएगा। और रसदाहा आने का वैसे कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन अचानक से प्लान बना कि रास्ते में है तो चले घूम लेते हैं। और नदी के जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा एक तपस्वी संत मौनी बाबा का यहाँ पे बड़ा सा स्टैचू है, और संत मौनी बाबा रसदाहा धाम सरिया, और रसदाहा में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्क टाइप ऐसा कुछ बना हुआ है, तो पता नहीं अंदर जाने का क्या है सिस्टम। और फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जी, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना इससे आप गेस कर सकते हैं कि जब यहाँ पे पूजा पाठ मतलब भीड़ के टाइम में कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा, इसीलिए यहाँ पे जितना सारा जो भक्तों हैं ना उनके लिए यहाँ पे एक लाइन का व्यवस्था किया गया है। तो अभी उतना भीड़ है नहीं, पर दिखाते हैं आपको, ये रहा एक मंदिर भगवान शिव का है, और अंदर शायद क्या है देखते हैं। एक नंदी का छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बड़ा सा नंदी है, और एक मंदिर है यहाँ पे माँ पार्वती मंदिर, और आसपास के चीज़ें कुछ इस तरह यार उधर।